4 मार्क्स फ्री 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 4 मार्क्स फ्री में मिल रहा, ले लो जी मेन के लिए 4 मार्क्स फ्री में मिल रहा है, फ्री फ्री फ्री। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन रजनीकांत एकेडमी। तो आपने सही सुना, ये जो टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग, अगर आप जी मेन देने जा रहे हो तो इस टॉपिक को, मतलब इस वीडियो को देख लो और 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएगा, एकदम फ्री में मिलेगा। क्योंकि मात्र ये वीडियो बहुत, अब पता नहीं है कितना लंबा होगा, बट इतना लंबा में आपको 4 मार्क्स आ ही जाएगा। तो इसको 4 मार्क्स इतना टाइम के लिए देना कोई मतलब कि घाटे का सौदा नहीं है। तो देख लो इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग वैसे डीप में पढ़ा जाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है उसको अगर देखें, और जो पिछले कुछ सालों से पूछ रहा है उसको अगर हम देखें, तो मतलब कि ये आपको 4 मार्क्स मतलब ऐसे ही, मतलब काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम 2018 के क्वेश्चन से। देखना, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ दो तरह से बना सकते हैं, हर एक या किसी किसी टाइप के क्वेश्चन को और भी मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें से जो सबसे आसान होगा वो बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2018 के क्वेश्चन से। तो 2018 में मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछा था वो ये है, द बूलियन एक्सप्रेशन निगेशन ऑफ, इसको बोलते हैं निगेशन, जैसे निगेशन ऑफ पी, इसका मतलब होता है पी नॉट, मतलब पी को छोड़ के बाकी, ठीक है, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी इसको बोलते हैं, मतलब पी को छोड़ के बाकी, जैसे सेट थ्योरी में इसको बोलते हैं पी डैश, मतलब पी का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम एज पी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोल सकते हैं यहां पे निगेशन ऑफ पी। फिर ये जो दिख रहा है ये साइन, इसको बोलते हैं और, ठीक है। तो पी और क्यू इसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं पी और क्यू, ठीक है। और सेम एज इसको, मतलब अगर सेट थ्योरी में देखें तो इसको पी यूनियन क्यू बोल सकते हो। फिर एक और साइन आ रहा है यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये इसको बोलते हैं एंड, मतलब पी एंड क्यू, इसको पढ़ देंगे पी एंड क्यू। और इसको सेट थ्योरी के कंसेप्ट से अगर देखें तो पी इंटरसेक्शन क्यू देखेंगे, मतलब पी और क्यू में कॉमन, और इसका मतलब पी और क्यू, मतलब पी या क्यू में से कोई एक, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है द बूलियन एक्सप्रेशन पी और क्यू का निगेशन, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो देखना, इसको सबसे आसानी से हम लोग वेन डायग्राम से बना सकते हैं, मात्र 30-40 सेकंड में मात्र ये क्वेश्चन बन जाएगा, या मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखना, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम से यहां पर हम लोग बनाएंगे इसको पी और क्यू का ये निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब कि पी यूनियन क्यू का डैश, पी यूनियन क्यू पे होल निगेशन लगा है, मतलब पी यूनियन क्यू पे होल डैश, सेट थ्योरी के कंसेप्ट से देखे तो होगा। तो देखना, पी और क्यू, सेट थ्योरी का अगर आपको वेन डायग्राम पता होगा तो वेन डायग्राम, इस क्वेश्चन को ट्रुथ टेबल से भी बना सकते थे, लेकिन वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये रहा पी और ये रहा क्यू। अब देखना है यहाँ पे पी और क्यू, पी यूनियन क्यू, मतलब पी और क्यू, ये पूरा पी यूनियन क्यू का मतलब होता है पी और क्यू, मतलब ये पी भी पूरा और क्यू भी पूरा, लेकिन हमको पी यूनियन ए का निगेशन चाहिए, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसके बाहर लेंगे, मतलब पी यूनियन क्यू के बाहर लेंगे, ये पी यूनियन क्यू के बाहर, मतलब ये हमको मिलने वाला है, ये चीज़ हमको मिलने वाला है इतना, ये हो गया हमारा पी यूनियन क्यू डैश, यानी कि निगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अब दूसरा बनाओ, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, यहां पे एंड पढ़ेंगे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। यहां पे निगेशन जो है वो इनसाइड द ब्रैकेट है, मतलब कि होल नहीं है, सिर्फ पी पे निगेशन है। इसको सेट थ्योरी के कंसेप्ट में देख सकते हैं पी डैश इंटरसेक्शन क्यू, और पी डैश इंटरसेक्शन क्यू को ही हम लोग बोलते हैं क्यू माइनस पी, ठीक है, मतलब क्यू का वो एलिमेंट जो पी में नहीं हो, ठीक है। तो ये नहीं भी आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इसी से समझा देंगे, या निगेशन ऑफ पी एंड क्यू से भी समझा देंगे। देखना, यहाँ पे सबसे पहले पी एंड क्यू बनाएंगे हम लोग,
वेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सेट थ्योरी में आता है, काफी इम्पोर्टेंट है। ये सर्कल थोड़ा सही से बन जा, ये रहा पूरा गोल और ये क्यू, ये रहा पी और ये रहा क्यू। अब देखना हम लोग ड्रॉ करते हैं निगेशन ऑफ पी एंड ये एंड क्यू, मतलब पी डैश, मतलब पी के बाहर, पी के बाहर सोचो, एज्यूम करो पी को छोड़कर पी के बाहर का सारा एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एंड क्यू, तो पी के बाहर पूरा एज्यूम करो, पूरा पी के बाहर मतलब ये वाला पार्ट भी पूरा होगा, ये पूरा और पी के बाहर ये वाला पार्ट भी होगा, ये और ये नहीं होगा, पी के बाहर में ये वाला मतलब पूरा ये सारा और ये वाला पार्ट हुआ, और फ्यू और फिर देखें क्यू, तो क्यू टोटल हुआ ये, तो पी के बाहर देखें मतलब इतना और इतना, और क्यू में कॉमन क्या है, तो दोस्तों कॉमन इतना आ जाएगा ये, इसको बोलेंगे पी डैश इंटरसेक्शन क्यू या निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसको क्यू माइनस पी भी बोलते हैं, क्यू में से पी को हटा दिए तो ये बचा। अब देखना हमको करना क्या है, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू निकाल दिए, मतलब इसका हम लोग वेन डायग्राम यहाँ पे बना दिए, और फिर इसका भी वेन डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना दिए, इसका वेन डायग्राम हम लोग बना चुके हैं यहाँ पे। अब दोनों का और करना है, और मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है यूनियन, तो इसका और इसका यूनियन करना है, यूनियन मतलब मिलाना, तो हमको बनाना है निगेशन ऑफ पी और क्यू, और निगेशन ऑफ पी और एंड, यहाँ पे एंड क्यू, ठीक है, मतलब हमको इतना, मतलब ये जो बनाए हैं और ये जो बनाए हैं ये दोनों दोनों को मिला देना है, तो दोनों को देखो मिलाते हैं, काफी आसान है दोनों को मिलाना, यहाँ पे ये हुआ पी और ये हुआ क्यू, ये हुआ पी और ये हुआ क्यू, ठीक है। अब ये हुआ पी ये हुआ क्यू, तो इसको देखना, ये क्या है, मतलब ये चीज क्या है, ये चीज है ये पूरा पी और क्यू दोनों के बाहर, मतलब ये दोनों के बाहर हमको मिलाना है, तो पहले एक लिख दो फिर दूसरा लिख दो, मिलाना है, मिलाने के लिए हम लोग दोनों को लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन जो प्लेस होता है उस पे एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखना है। और ये फिर इसको, ये हम ड्रॉ कर दिए, फिर और करना है मतलब मिलाना है, तो इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है, तो ये इसका आया है वेन डायग्राम, हमको ये सिर्फ आया है ये सेट रीजन, मतलब ये चीज, ये भी हम लोग लिखेंगे, तो देखना इसको और इसको मिला दिए, मतलब वेन डायग्राम में मिला दिए, तो क्या मिला, तो पी के बाहर का सारा कुछ मिला, देख रहे हो पी के बाहर का मिला हमको, तो पी के बाहर का जो मिला तो इसको हम लोग बोल देंगे पी डैश, पी के बाहर मतलब पी डैश। अब देख लो पूछ रहा था क्वेश्चन कि द बुलियन एक्सप्रेशन इतना इज इक्विवेलेंट टू, तो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो पी डैश के। अच्छा पी डैश सेट थ्योरी के कंसेप्ट में, बट अगर ये इसके कंसेप्ट में देखें और इसके कंसेप्ट में मैथमेटिकल रीजनिंग के कंसेप्ट में निगेशन ऑफ पी, यानी ऑप्शन निगेशन ऑफ पी ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये तो मैं समझा रहा था तो ज़्यादा टाइम लगा, बट आप बनाओगे तो 1 मिनट इसके लिए काफ़ी है, इनफ है, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। तो ये था 2018 में पूछा हुआ इस टाइप के क्वेश्चन अगर हो, ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा इम्प्लाइज या डबल इम्प्लाइज, मतलब इफ एंड ओनली इफ इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर नहीं आए, ठीक है, तो ये अगर आए तो ट्रूथ टेबल का यूज करना ही पड़ेगा, बट ये अगर आए, ये सब आए निगेशन और एंड आए, तो हम लोग ऐसे वेन डायग्राम से बना सकते हैं, ठीक है। तो है ना आसान ये क्वेश्चन, बता दो। आगे बढ़ते हैं जेई मेन 2017, वो 17 का क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा 16 का देखते हैं, क्योंकि 17 के लिए ट्रूथ टेबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना ट्रूथ टेबल वाला हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। तो 2016 में जो आया था वो क्वेश्चन था कि द बुलियन एक्सप्रेशन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो सबसे पहले ये तीनों को ड्रॉ करते हैं और तीनों को मिला देंगे, ठीक है, क्योंकि और है तो और मतलब यूनियन मतलब मिलाना, तो हम लोग ड्रॉ करते हैं पहले पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है पी इंटरसेक्शन क्यू डैश, इसको हम लोग पी माइनस क्यू भी बोल सकते हैं। तो देखना इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए ये है पी
और ये है क्यू. तो देखना पी एंड क्यू निगेशन ऑफ क्यू मतलब पी इंटरसेक्शन क्यू डैश मतलब पी माइनस क्यू मतलब पी का वो एलिमेंट जो क्यू में नहीं है, या ऐसे समझ सकते हो पी एंड क्यू के बाहर वाला का कॉमन. तो पी ये टोटल हो गया और क्यू के बाहर देखो तो पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा. अगर इसके क्यू के बाहर देखो तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ये और ये नहीं आएगा, ये क्यू में आएगा. तो हमको क्यू के बाहर और पी में कॉमन चाहिए. तो पी टोटल हो गया और क्यू के बाहर मतलब इसको इसको छोड़ के सब हो गया, तो कॉमन जो होगा वो ये मिलेगा हमको, ठीक है. या हमको ये पी माइनस क्यू के कंसेप्ट से भी पी और उसमें से क्यू हटा दें तो ये बचेगा ये पार्ट, ठीक है. तो ये हो गया ये पी एंड निगेशन ऑफ क्यू. फिर क्यू ड्रॉ कर लो, तो क्यू तो आसानी है, पता ही है क्यू क्या होता है. तो ये हो जाएगा पी है और ये क्यू है, तो क्यू क्या होगा, तो क्यू होगा ये पूरा पार्ट क्यू हो गया, कुछ करना ही नहीं है. फिर कर लो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है. निगेशन ऑफ पी एंड क्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग ये ऐसे करेंगे, पी और क्यू, ये है पी ये क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मतलब कि इसको बोल सकते हैं पी डैश और इंटरसेक्शन, ये इसको बोल देंगे इंटरसेक्शन क्यू, ठीक है. मतलब इसी को क्यू माइनस पी बोलेंगे, और क्यू माइनस पी मतलब ये पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो ये पार्ट हमको यहां से मिला, तो तीनों का यूनियन करना है, इतना यूनियन इतना यूनियन इतना. तो फाइनल आंसर तीनों का यूनियन करने के बाद होगा. तो हम लोग को करना है डायरेक्ट उस स्टेटमेंट मान लो, या लिख देते हैं पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और यहाँ पे क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, हमको इसका बनाना है. तो तीनों ड्रॉ करेंगे मतलब यूनियन करना है, यूनियन मतलब तीनों को ड्रॉ कर देना है. यह है पी, ये है क्यू. तो सबसे पहले ड्रॉ करना है ये पी एंड निगेशन ऑफ क्यू को, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं. तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू जो है, अच्छा हम यहाँ पे समझाने के लिए तीनों को पहले अलग अलग बनाएं फिर उसका ये यूनियन करने जा रहे हैं. बट आप चाहो तो एक ही में बना लो, एक ही में ये बना लो, फिर ये बना लो, फिर ये बना लो, हो गया काम खत्म. बट यहाँ पे समझाना है, सभी को समझना है. यहाँ पे देखना पी और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू ये रहा, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा. फिर ये क्यू, तो क्यू पूरा ये रहा, सबको मिलाना है. फिर ये क्यू का ये पार्ट सिर्फ, ये कॉमन पार्ट को छोड़ के, तो ये तो ड्रॉ कर ही चुके हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या मिला हमको, तो ये मिल गया पी पी और क्यू, ठीक है. मतलब पी यूनियन क्यू मिला हमको. तो पूछ रहा था किसके इक्विवेलेंट होगा, तो बुलियन एक्सप्रेशन इतना इज इक्विवेलेंट टू, तो पी और क्यू, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर. तो इसको भी हम काफी आसानी से बना दिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जेई मेन 2015 में जो पूछा हुआ है. बोल रहा द निगेशन ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ नहीं पूछ रहा है, मतलब कि जो आएगा उसका उल्टा लिखना है, ठीक है. जो ये आएगा जिस मतलब इसका मतलब वेन डायग्राम जो आएगा उसका उल्टा, उसका मतलब निगेशन लिखना है. द निगेशन ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले एस, अच्छा यहाँ पे पी क्यू के जगह पे आर एस है, ठीक है. तो इससे घबराना नहीं है, पी क्यू के जगह पे सिर्फ आर एस आ गया. तो यहाँ पे निगेशन ऑफ एस पहले ड्रॉ करेंगे. निगेशन ऑफ एस मतलब कि इसको बोलते हैं एस डैश, मतलब एस का कॉम्प्लीमेंट. दोनों हमको ड्रॉ करना होगा, आर और एस. और निगेशन ऑफ एस ड्रॉ करने के लिए एस के बाहर वाला पार्ट पूरा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये एस के बाहर वाला पार्ट ये ड्रॉ कर लिए. और इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे निगेशन ऑफ आर एंड एस. निगेशन ऑफ आर एंड एस मतलब कि इसको बोल सकते हैं आर डैश इंटरसेक्शन एस, मतलब एस माइनस आर. तो एस माइनस आर अभी हम लोग बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, और ये है आर और ये है एस. हमको ड्रॉ करना है
एस माइनस आर, मतलब एस का वह पार्ट जो आर में नहीं हो वो चीज़, मतलब ये सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। या आर डैश इंटरसेक्शन एस, मतलब आर के बाहर वाला पार्ट और एस में हो, तो बाहर ये भी है और ये भी है, लेकिन जो एस में हो वही लिखना, तो यही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम दोनों ड्रॉ कर चुके हैं, ये भी और ये भी, तो अब दोनों को मिलाते हैं, मतलब निगेशन ऑफ एस, निगेशन ऑफ एस यूनियन, मतलब यहाँ पे और बोला जाएगा, और निगेशन ऑफ आर एंड एस, ठीक है। तो इस दोनों को अगर मिलाएंगे, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, इस पैड पे लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। ये है आर और ये है एस। अब देखना दोनों को मिलाना है, यूनियन करना है, तो दोनों को मिलाओ। दोनों को मिलाने के लिए हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये पहला, ये एस डैश, एस डैश मतलब एस के बाहर वाला। ये दोस्तों ये काम मतलब कि हम दो भले बनाए फिर किए उसको, मतलब एक ही में किया सकता है, हम जो ये तीन काम कर रहे हैं एक ही में किया सकता है, लेकिन हमको तो समझाना है, सभी को समझना पड़ेगा, तो ये काम किए। लेकिन आप अगर समझ गए हो तो एक ही फिगर में कर सकते हो, मतलब ये पहले बना लो, और है तो ये भी बना दो, उसी पे जो आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बनाए होते और इसी में ये बनाए होते और इसी में ये निगेशन ऑफ आर एंड एस बना देते, लेकिन हम यहाँ पहले ही बना चुके थे तो ये आया था, तो ये उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। या आपको कन्फ्यूजन है तो एक एक करके भी बना सकते हो। तो इसका वैल्यू हमको ये आया, ये देख रहे हो क्या है, तो दोनों का कॉमन पार्ट को छोड़ के बाकी है। तो पूछता है यहाँ पे द निगेशन ऑफ, इतना नहीं पूछता, पूछता इतना इज इक्वेलेंट टू, तो हम लोग बोल देते हैं ये आर एंड एस का डैश, डैश मतलब निगेशन, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो रहा है निगेशन ऑफ आर एंड एस। तो पूछ रहा है कि इसका निगेशन क्या होगा, मतलब इसका जो वैल्यू हुआ वो इतना हुआ, फिर इतना हमको नहीं पूछ रहा है, ये इतना इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है इसका निगेशन क्या होगा, मतलब इसका उल्टा। तो इसका निगेशन, एक और निगेशन लगाएंगे तो हो जाएगा आर एंड एस, मतलब सिर्फ ये हो जाएगा आर एंड एस, तो ये हो गया। तो आर एंड एस ऑप्शन, एस एंड आर, ये है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी को टिक कर देना, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन 2000 जेईई मेन 2017 में पूछा हुआ, द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। इसको स्टेटमेंट से देखा जाए तो बोलते हैं इफ पी देन क्यू, इसको बोलते हैं पी इम्प्लाइज क्यू को, इफ पी देन क्यू, मतलब पी अगर होगा तो क्यू भी, पी अगर ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा, ये मतलब बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ राम इज टॉल देन ही इज थिंक देन ही इज, मतलब कि थीन मतलब कि पतला होगा, राम अगर लंबा है तो वो ज़रूर पतला होगा, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट होते हैं ये। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये हो गया पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और होल इम्प्लाइज क्यू, ये इसको ये मतलब इतना किसके ये क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन आ रहा है फैलेसी, तो यहाँ ट्रूथ टेबल जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सच्चा सारणी, उसमें अगर सारा मतलब इसका वैल्यू सारा फॉल्स हो जाए तो उसको बोलेंगे फैलेसी, और अगर सारा ट्रू हो जाए तो उसको बोलेंगे टॉटोलॉजी, ठीक है। और अगर कुछ आए मतलब कि ना ही सारा ट्रू हो ना ही सारा फॉल्स हो, तो हम लोग देखेंगे मतलब कि इसका ट्रूथ टेबल फिर निकालेंगे और फिर इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे। अगर ये इसका ट्रूथ टेबल किसी इसमें से इक्वेलेंस आ जाता है तो बोल देते हैं इक्वेलेंट टू इतना, इक्वेलेंट टू इतना। तो देखना ट्रूथ टेबल लिखते कैसे हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया है, एक टेबल बना देना है और यहाँ लिखना है पी, यहाँ पे क्यू, ठीक है, और पी इम्प्लाइज क्यू यहाँ पे एक लिख दिए, फिर उसके बाद से लिखना है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू हमको लिखना है, तो पहले निगेशन ऑफ पी पी का एक टेबल बना दो, फिर निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का एक टेबल बना दो, फिर इसके बाद निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू का एक टेबल बना दो, और फिर इसके बाद ये जो हम लिखे हैं पी इम्प्लाइज क्यू उतना इम्प्लाइज ये को हम मान लिए स्टेटमेंट एस, जो कि मेरा फाइनल स्टेटमेंट है, तो इसको मान लिए स्टेटमेंट एस, बड़ा था तो लिखने से अच्छा है कि एस मान के यहाँ पे एस लिख दिए। अब क्या करना है, तो इसको पी को ऐसे लेना है एक बार ट्रू, एक बार क्यू को भी ट्रू, मतलब दोनों ट्रू, फिर लेना है एक बार पी को ट्रू,
और क्यू को फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फिर एक बार इसको लेना है फॉल्स, इसको लेना है ट्रू, और इसको फॉल्स, इसको फॉल्स, बस चारों, मतलब चार यहाँ पे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं ट्रू फॉल्स लेने का, हम चारों ले लिए, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड दोनों फॉल्स, ठीक है, तो ये ले लिए। अब देखना, थोड़ा सा रूल यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू जो होगा वो फॉल्स तब होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, आप भी नोट कर लेना, पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स ओनली वेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। मतलब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो ये हो जाएगा फॉल्स, अदरवाइज बाकी सभी जगह ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे P implies Q जो होगा वो फॉल्स कब होगा, तो जब P ट्रू हो, P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, मतलब ट्रू implies फॉल्स इक्वल टू फॉल्स होगा, बाकी सभी ट्रू implies ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स implies ट्रू भी ट्रू होता है और फॉल्स implies फॉल्स भी ट्रू होता है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। फिर किसी किसी क्वेश्चन में आएगा P implied and implied by, या इसको बोलते हैं if and only if या IWF if बोलते हैं, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि बोलेंगे इतना इज फॉल्स, या पहले ट्रू लिखते हैं, इतना इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। इस क्वेश्चन में नहीं है बट आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, तो एक साथ दोनों बता देना है, ठीक है, तो इतना इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू, मतलब दोनों ट्रू हो और दोनों तरफ से ये इम्प्लाइज हो, दोनों तरफ से एरो हो, तो दोनों अगर ट्रू हो तो उसको लिखेंगे ट्रू, दोनों फॉल्स हो तो लिखेंगे ट्रू, अब बाकी केसेस में मतलब दोनों अलग अलग हो तो उसको लिखेंगे फॉल्स। इज ट्रू इफ बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, और इतना इज फॉल्स इफ बोथ आर डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग हो, एक ट्रू हो फॉल्स हो तो दोनों तरह से इम्प्लाइज हो, इसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे वैसा है ही नहीं, अगले क्वेश्चन में आएगा जो कि 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे P implies Q जो होगा वो होगा ट्रू, मतलब फॉल्स तब होगा जब मतलब पहला P ट्रू हो, पहला ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो ही मात्र फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा, तो ये सिर्फ याद कर लेना, ठीक है, वैसे इसको कंसेप्चुअली देखना है कंसेप्ट इसका, तो इसका कंसेप्ट भी देख सकते हो, लेकिन उसको अगर आपको देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका भी पूरा एकदम कंसेप्चुअल वीडियो लाऊंगा, ठीक है, बट अभी जेई मेन काफ़ी नज़दीक है, इसको मतलब सिर्फ इतना सा काम चल जाएगा, सिर्फ ये लाइन याद रख लेना। फिर इसके बाद से निगेशन ऑफ पी क्या होगा, तो निगेशन ऑफ पी मतलब उल्टा, मतलब पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी होगा फॉल्स, ट्रू है तो ये होगा फॉल्स, ये है फॉल्स तो ये होगा ट्रू और ये है फॉल्स तो ये होगा ट्रू, निगेशन ऑफ पी मतलब उसका उल्टा। फिर अब देखना निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, निगेशन ऑफ पी से हमको जाना है क्यू पे, तो निगेशन ऑफ पी से क्यू पे जाना है तो हमको पता है ये फॉल्स कब होगा, तो जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला फॉल्स हो, तो पहला वाला ट्रू ट्रू हमको क्यू पे जाना है, निगेशन ऑफ पी से क्यू पे जाना है, तो निगेशन ऑफ पी है ट्रू, देखो फिर ट्रू है तो नहीं होगा, फिर ट्रू और फॉल्स तो ये होगा फॉल्स, ध्यान देना निगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू, तो निगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू, क्यू ये रहा मतलब ट्रू, ये है ट्रू पहला वाला ट्रू और ये है फॉल्स, तो ट्रू गोज टू फॉल्स यानी कि फॉल्स, अदरवाइज बाकी सभी ट्रू गोज टू ट्रू ट्रू एंड फॉल्स गोज टू फॉल्स इज ऑल्सो ट्रू एंड फॉल्स गोज टू ट्रू इज ऑल्सो ट्रू, तो ये हो गया ट्रू 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 एंड फॉल्स, तो ये हमको निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू मिल गया। अब निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू गोज टू क्यू, मतलब इतना इम्प्लाइज क्यू, फिर अब हमको इससे जाना है क्यू पे, ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे ट्रू टू फॉल्स, मतलब पहले वाला ट्रू और बाद वाला फॉल्स, तो होगा फॉल्स अदरवाइज बाकी सब ट्रू, तो देखना ट्रू गोज टू ट्रू मतलब ट्रू, ट्रू गोज टू फॉल्स यानी कि ये मिल जाएगा फॉल्स, ट्रू गोज टू ट्रू यानी कि ट्रू और फॉल्स गोज टू फॉल्स ये भी ट्रू। फिर क्या है, तो फिर लास्ट एस है, एस क्या है, तो एस देख लो, एस हम माने हैं पी इम्प्लाइज क्यू गोज टू दिस, पी इम्प्लाइज क्यू इतना, अलग हम सेलेक्ट कर लेते हैं कलर, पी इम्प्लाइज क्यू गोज टू कितना, तो ये पूरा ये
तो ये गोज़ टू इतना हमको बनाना है, और इम्प्लाइज है तो ट्रू गोज़ टू ट्रू यानी कि ट्रू, फॉल्स गोज़ टू फॉल्स यानी कि ट्रू, ट्रू गोज़ टू ट्रू यानी कि ट्रू, और ट्रू गोज़ टू ट्रू यानी कि ट्रू। तो सारा ट्रू आ गया, तो सारा ट्रू 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 ट्रू, तो क्या बोलोगे, तो टॉटोलॉजी। ठीक है, तो इसको बोल देना है टॉटोलॉजी। और अगर सारा फॉल्स आता तो बोलते फैलेसी, और सारा ट्रू नहीं आता, सारा फॉल्स नहीं आता तो चेक करते फिर इसका मतलब। निगेशन ऑफ पी गोज़ टू क्यू, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है, तो यहाँ पे जो आता वो इसके जैसा आता, ट्रू 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 फॉल्स, तो हम लोग लिख देते ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एंड इक्विवेलेंट टू पी गोज टू निगेशन ऑफ क्यू, तो इसमें तो बनाया नहीं है पी गोज टू निगेशन ऑफ क्यू, तो बना लेते मान लो जैसा ये आया है और वो बनाते वो भी उसी के जैसा आता, तो बोल देते ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे और ट्रूथ टेबल भी समझ चुके होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई मेन 2014 से, और ये है द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं या इफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफ बोलेंगे या इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई निगेशन ऑफ क्यू इज क्या होगा। तो यहाँ भी है इक्विवेलेंट टू पी इफ क्यू एंड इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी इफ क्यू एंड ए टॉटोलॉजी एंड ए फैलेसी। तो ये अब चारों ऑप्शन में से चूज करना है, तो इसके लिए हमको ये इफ एंड ओनली इफ आ गया, तो इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ मेरा ये टेबल हो चुका है रेडी, हमको बनाना है द स्टेटमेंट इतना इज इक्विवेलेंट टू और टॉटोलॉजी और फैलेसी में बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये अपने से लेना है, मतलब चार पॉसिबल वेज हो सकता है, फोर पॉसिबल वेज हम ले लिए। फिर हमको चाहिए पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड वे, मतलब पी इफ निगेशन ऑफ क्यू, तो निगेशन ऑफ क्यू पहले बना लो, मतलब कि टी है ये, मतलब क्यू है ट्रू, तो ये होगा निगेशन ऑफ क्यू फॉल्स, ये है फॉल्स तो ये होगा ट्रू, ये है ट्रू तो ये होगा फॉल्स, ये है ट्रू तो ये भी होगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया, नहीं एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम एक मिनट, ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम ही हो गया था, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू सेम हो गया था, फॉल्स फॉल्स करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मिटाया जा सकता है, इस सॉफ्टवेयर में मिटाने वाला भी है। चलो, तो ये फॉल्स का निगेशन होगा ट्रू। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ क्यू, तो बताए थे कि पी इफ एंड ओनली इफ ट्रू कब होगा, तो जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो ये ट्रू हो जाएगा, और दोनों में से दोनों अलग अलग हो, मतलब ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तो इसका वैल्यू होगा फॉल्स। ठीक है, तो देखना है कि दोनों ट्रू कब है, यहाँ पे पी और निगेशन ऑफ क्यू हमको इसमें और इसमें मिलाना है, पी और निगेशन ऑफ क्यू में हमको मिलाना है, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स, ट्रू है मतलब होगा ट्रू, फॉल्स है मतलब होगा ट्रू, और फॉल्स है ट्रू है मतलब होगा फॉल्स, दोनों अलग अलग है, इससे मिलाना नहीं है, इससे मिलाना है हमको। ठीक है, तो ये हो गया ये पी इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसका निगेशन, तो इसका निगेशन लिखना काफी आसान है, पी इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, उधर जगह बच गया था, तो अब देखना, अब यहाँ पे ये क्या होगा, तो ये हम लिख चुके हैं, तो इसका निगेशन होगा उल्टा, फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है तो फॉल्स, ये ट्रू तो ये होगा फॉल्स, और ये फॉल्स तो ये होगा ट्रू। ठीक है, तो पूछ रहा था कि द स्टेटमेंट इतना इज, सबसे पहले देख लो टॉटोलॉजी और फैलेसी में कुछ है कि नहीं, तो अगर सारा फॉल्स होता तो बोलते फैलेसी, और सारा ट्रू होता तो बोलते टॉटोलॉजी, बट ऐसा नहीं है, दो ट्रू है दो फॉल्स है, तो इसमें से देखना होगा क्या होगा। तो इसके लिए इक्विवेलेंट टू इतना, मतलब इसको ड्रॉ करो और इसके जैसा ऐसे ही आ जाए तो बोल देंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नहीं आए तो इस पे टिक लग ही जाएगा या एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई
क्यू, तो देखना पी और क्यू में देखना है, दोनों सेम हो तो ट्रू हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो तो फॉल्स हो जाएगा। तो पी और क्यू में देखो दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू। पी और क्यू में देखो एक ट्रू एक फॉल्स तो ये हो जाएगा फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो हो जाएगा फॉल्स, और एक फॉल्स एक फॉल्स तो मतलब दोनों सेम है फॉल्स है तो ये हो जाएगा ट्रू। तो देख लो ये मिल रहा है क्या इससे, अरे मिल गया, क्या बात है। तो ये पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई क्यू जो है इसी के जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये मिल चुका है मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो ऑप्शन ए को टिक कर देना है। और यहाँ पे हम लोग पिछले चार पाँच साल का हम लोग लगभग क्वेश्चन बना चुके हैं, तो आपको इतना से लगभग कॉन्फिडेंस आ चुका होगा, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीप में समझना है और भी समझना है तो नीचे कमेंट कर दो, मैं इसका वीडियो ला दूंगा डीप में। डीप में थोड़ा सा इससे डबल लेंथ का वीडियो होगा और आप और अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे ये ट्रू ट्रू फॉल्स होता है, ये सब कैसे सब होता है, ये सारा समझ जाओगे। लेकिन जेई मेन के लिए इतना काफ़ी है, आप सिर्फ इतना याद रख लो तो हो जाएगा। और बाकी आप अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो बिना ट्रूथ टेबल के भी बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो करते हैं ख़त्म, और अगर आगे का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना कि अच्छा लगा है, और लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर देना अगर उनका भी जेई मेन का एग्ज़ाम है तो। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।